नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी न्यूज अनिल डालते हैं आज की खबरों पर। मृतिका चंद्रावती देवी की बेटी ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि मेरी मां की हत्या के बाद मैं कोर्ट में केस की पैरवी कर रही हूं, जिससे नाराज होकर आरोपियों ने मेरे ऊपर जाने वाला हमला करने के साथ ही मेरे साथ छीना झपटी भी किया, जिसकी सूचना मैंने गोला थाने को दिया, फिर भी पुलिस से कोई कार्रवाई नहीं किया, उल्टे मुझे ही गाली गुप्ता देते हुए मेरी बेइज्जती की। इस मामले में शामिल दो लोगों को मैं पहचानती हूँ, बाकी चार लोग अज्ञात है, लेकिन पुलिस इस मामले में मुकदमा दर्ज नहीं कर रही है और मेरी मां की हत्या में शामिल एक और षड्यंत्रकर्ता खुलेआम घूम रहा है। वही महिला के आरोप पर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी ने बताया कि फिलहाल मामला मेरे संज्ञान में आया है। तीन नामजद आरोपियों को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर आला कत्ल बरामद कर जेल भेज दिया था, लेकिन जमानत पर बाहर एक महिला आरोपी के ऊपर धमकी और मारपीट का आरोप लगा है, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। लेकिन क्योंकि यह हत्या संपत्ति विवाद को लेकर हुआ था, इसलिए पुलिस इस पूरे मामले पर सतर्कता के साथ नजर रख रही है और सभी बिंदुओं पर जांच पड़ताल की जा रही है। अगर आरोपियों द्वारा जमानत की शर्तों को दरकिनार कर धमकी दी गई होगी तो पुलिस इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के साथ ही कोर्ट में वाद प्रस्तुत कर जमानत की शर्तों की अवहेलना दाखिल कर इस मामले को कोर्ट के संज्ञान में लाएगी और दोषी पाए जाने पर इनकी जमानत को निरस्त कराने की प्रक्रिया करवाएगी, साथ ही पूरे मामले की जांच पड़ताल पर उचित कार्रवाई की जाएगी। क्या मामला है आपका? मेरा नाम पुष्पा साहनी है और मेरे मम्मी के हत्याकांड के मामले में मुझे बात करना है। 100 नंबर को 7 तारीख को फ़ोन किया गया था, 7 मई 2020 को। पुलिस आती है और मम्मी उनसे बहुत रिक्वेस्ट करती है, रोती भी है, साहब इन सबों को ले जाइए नहीं तो मुझे मार डालेंगे। मेरी बहन संगीता देवी और उसके पुत्र विपिन साहनी और उसकी बहू सोनी, लेकिन पुलिस नहीं ले जाती। अगले दिन सुबह 6 से 6:30 के बीच में मेरी मम्मी का मर्डर हो जाता है। फिर बार बार हमें धमकियाँ मिलने लगती है। इसी बीच 22 तारीख को ज़बरदस्ती उसकी बहू घर में हल जाती है। फिर मैं 112 नंबर को फ़ोन करती हूँ, पुलिस आती है और बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद पुलिस उसको बाहर निकाल के ले जाती है। मैं थाने पे एप्लीकेशन लेके जाती हूँ, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और अगले दिन मतलब 2-4 दिन के बाद 30 तारीख को मेरी तारीख थी और यहाँ से जाते वक्त हमारे ऊपर जानलेवा हमला होता है। थाने पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया, वहाँ भी एप्लीकेशन दिया, कोई कार्रवाई नहीं होती है, बल्कि धमकी ही देती है पुलिस की, कुछ भी कहीं भी जाओ, जो भी होगा हम यहीं से होगा, जो हम चाहेंगे वही करेंगे। किस थाना क्षेत्र का मामला है? थाना क्षेत्र बड़हलगंज का है। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उसमें एक विपिन साहनी मर्डर मम्मी का करने के बाद और हथियार लेकर गांव में ही रह रहे जमालुद्दीन के लड़के सरफराज को बाइक से बैठा कर लेकर गया, पापा को माने, पापा मेरे जान बचा के भाग गए। पुलिस उनको ले गई थी, 24 घंटे बैठा के थाने में रखी और पैसे लेके उसे बाइज्जत बरी कर दी। क्या आप चाहती है? मैं ये चाहती हूँ कि सरफराज की गिरफ्तारी हो और जो मेरे पे अटैक किए 30 तारीख को संजय साहनी और संगीता देवी और अज्ञात 4 लोग थे, उन पे जांच हो और इन लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। आपने थाने पे सूचना दिया था? जी, थाने पे सूचना दी थी, एप्लीकेशन भी दी, मेरा एप्लीकेशन फाड़ के फेंक गया, मेरा मोबाइल स्विच ऑफ करा के मेरे साथ अभद्रता से पेश आए, बहुत बदतमीजी और गाली भी दिए। शैलेश सिंह है वो बहुत बदतमीजी, फुल ड्रिंक में थे वो। किस थाने के? गोला थाने के थे। ये माँ की प्रॉपर्टी को लेकर के उनकी जो बेटियाँ हैं उनमें विवाद था, उसी विवाद में माँ की हत्या हुई थी। 3 लोग नामजद थे, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। उन्हीं में से एक महिला जमानत पे छूटी है, उसने इस वादी पक्ष की महिला जो आप लोगों के पास गई थी उसको धमकी दिया था, उसका भी एक मुकदमा लिख लिया गया है, उस पर सतर्क दृष्टि निरंतर रखी जा रही है। क्योंकि प्रॉपर्टी का विवाद है, इस नाते भी पुलिस को और चौकन्ना रहना पड़ रहा है, क्योंकि इसके लिए आगे भी और कोई वारदात हो सकती है। इस नाते हम प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही भी कर रहे हैं, सतर्कता बरत रहे हैं। सरफराज नाम के लड़के का नाम सामने आ रहा है, इतने कहा सरफराज ने जिस हथियार से कत्ल किया था उसको लेके वो घूमा, पुलिस ने उसको बैठाया, उसके बाद शाम को छोड़ दिया। नहीं, इसमें जो लोग नामजद थे वो सभी नामजद जेल जा चुके हैं, आला कत्ल भी बरामद हो चुका है। ये घटना मेरे आने से काफ़ी पुरानी है, ये 2020 के शुरुआती दौर की घटना है।
मैंने जो अभिलेखों में देखा है तो जो नामजद लोग थे वो गिरफ्तार हो चुके हैं, आला कत्ल बरामद हो चुका है और माननीय न्यायालय ने उसे बेल दिया है। बेल पाना जो है वो न्यायालय से उसको हक है, उसने लिया है। हाँ, बेल अगर वो उल्लंघन करता है तो हम न्यायालय के संज्ञान में जरूर ले आएंगे और जल्दी हमारी रिपोर्ट माननीय न्यायालय को जाएगी कि इसके बाद भी ये वादी पक्ष को धमका रहा है।